जयपुर फेस्टिवल बिल्कुल अलग विचारधारा के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। अनेक बार भारत विरोधी विचारधारा वहां आती है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव 2024 में शिरकत करने दरभंगा पहुंचे हैं। इस अवसर पर उनका मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। 3 दिवसीय महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों, विचारकों और चिंतक भाग ले रहे हैं। वहीं राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश के अंदर जयपुर और हिमाचल प्रदेश के सोनम में ऐसे फेस्टिवल होते हैं जहां देश विरोधी विचारधाराओं के लोग जुटते हैं और अपनी बात रखते हैं। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में बहुत सारे ऐसे सम्मेलन और उत्सव होते हैं जिसमें साहित्यकारों, विचारकों और चिंतक आते हैं, अपने विचार को रखते हैं ताकि समाज सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन देश भर में जयपुर फेस्टिवल का बहुत चर्चा है। आप सभी जानते हैं कि जयपुर फेस्टिवल का क्या स्तर है। जयपुर फेस्टिवल बिल्कुल अलग विचारधाराओं के लोगों के लिए प्रसिद्ध है। अनेक बार वहां पर भारत विरोधी विचारधाराएं वहां आती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे फेस्टिवल सिर्फ जयपुर में ही है, ऐसी बात नहीं है। देश के हिमाचल प्रदेश के सोनम के आसपास भी एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें ऐसे ही मानसिकता व विचारधारा के लोग जुड़ते हैं। देश भर में ऐसे बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, उत्सव होते हैं, बहुत चर्चा जानबूझकर की जाती है। वो एक सम्मेलन होता है जयपुर फेस्टिवल। जयपुर फेस्टिवल की बहुत चर्चा होती है। आप में से आप सभी विद्वत जन है, साहित्यिक हैं, आप जानते होंगे कि जयपुर फेस्टिवल का क्या अपना उसका तजुर्बा है, उसका क्या स्तर है। जयपुर फेस्टिवल बिल्कुल अलग विचारधारा के लोगों के लिए प्रसिद्ध है और वहां जाकर उस फेस्टिवल को लिटरेरी फेस्टिवल कहते हैं, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल। वहां जाकर किस विचारधारा को सामने लाने का प्रयास होता है आप सब जानते होंगे। अनेक बार भारत विरोधी विचारधारा वहां आती है और ऐसे फेस्टिवल केवल एक जयपुर होता है ऐसा नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो सोलन के आसपास होता है। वो ऐसे ही लोगों का फेस्टिवल होता है, नाम उसको लिटरेरी फेस्टिवल दिया जाता है, परंतु भारत विरोधी विचारों का वहां पनपना यह उनका स्वाभाविक कार्यक्रम होता है। इस पर चर्चा करना और लोगों के सामने हम भारत की अपनी संस्कृति मानव विरोधी कैसी है इसको आगे लाने का प्रयास होता है। इन सबको सामने रखकर आने वाले समय में किस दिशा में हमारा विचार रहेगा, विमर्श रहेगा, चिंतन का प्रवाह किस दिशा में जाने वाले जाएगा, इस दिशा को, मार्ग को तय करने वाला आज का यह साहित्य महोत्सव है। हम आगे वाले आने वाले समय में क्या करना चाहेंगे इस विषय को लेकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आने वाले 3 दिनों में आप सब वहां बहुत कुछ करने वाले हैं, चिंतन मंथन वगैरह, परंतु साहित्य का दर्जा किस साहित्य को मिलना चाहिए, किस कृति को मिलना चाहिए, इस पर भी चिंतन होने की आवश्यकता है।